सीधे सीधे शुरुआत करता हूँ। बहुत ही सभी ने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति दी और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे दीपक गर्ग जी यहाँ पर हमारी हौसला अफजाई करने के लिए विशेष रूप से पहुँचे, तो आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और चार पंक्तियों से मैं अपने आज के इस काव्य पाठ का आगाज करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने सकारात्मक सोच की पंक्तियाँ कही वहीं से बात शुरू करता हूँ कि नहीं टेके अभी घुटने, कि नहीं टेके अभी घुटने जरा सी आस बाकी है, कि नहीं टेके अभी घुटने जरा सी आस बाकी है, धड़कता दिल है धीरे से जरा सी सांस बाकी है, कि नहीं टेके अभी घुटने जरा सी आस बाकी है और धड़कता दिल है धीरे से जरा सी सांस बाकी है, और समंदर समंदर लाख है गहरा मेरी कश्ती भी है टूटी, कि समंदर लाख है गहरा मेरी कश्ती भी है टूटी, टिकी साहिल पे हैं आंखें मेरा विश्वास बाकी है, टिकी साहिल पे हैं आंखें मेरा विश्वास बाकी है। और जब मैं अभी शिवम यहाँ पे अपनी गजल सुना रहा था, शेर सुना रहा था, तो उसके कुछ शेर से मुझे अपनी कुछ पंक्तियां स्मृत हो आई कि सांप सीढ़ी लूडो कैरम का जमाना याद है, कि सांप सीढ़ी लूडो कैरम का जमाना याद है, बित्ती डंडे और कंचों का निशाना याद है, कि सांप सीढ़ी लूडो कैरम का जमाना याद है, बित्ती डंडे और कंचों का निशाना याद है, और संगी साथी भाई बहनों की बसी यादें जहां आज भी मुझको वो मेरा घर पुराना याद है, आज भी मुझको वो मेरा घर पुराना याद है। और एक शेर में इन्होंने कबूतर का जिक्र किया था चिट्ठी के साथ कुछ जोड़ करके, तो वहीं से एक शेर और मैं भाई शिवम तुम्हें समर्पित करता हूँ कि हो खबर अच्छी बुरी बस वो ही देता था हमें, कि हो खबर अच्छी बुरी बस वो ही देता था हमें, डाक बाबू से जुड़ा रिश्ता पुराना याद है, डाक बाबू से जुड़ा रिश्ता पुराना याद है, सांप सीढ़ी लूडो कैरम का जमाना याद है। और एक और शेर याद आ रहा है जो आपने अभी इतने यहाँ पर चटपटे शेर सुनाए, कभी शर्मीले बन रहे थे कभी लड़कियाँ छेड़ रही थी आपको तो मुझे भी अपने जवानी के दिन याद आ गए कि तब कहाँ था फोन यारो आशिकी के वास्ते, कि तब कहाँ था, भाई साहब सिर हिला रहे इनको पता है उस दौर से गुजरे हुए हैं, कि तब कहाँ था फोन यारो आशिकी के वास्ते, कांपते हाथों से उसको खत थमाना याद, कांपते हाथों से उसको खत थमाना याद है। और अभी जो हाल में आप देख रहे होंगे एक हमारे बॉलीवुड के फिल्म स्टार है, उनने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि उनको यहाँ रहने से डर लगने लगा है, उनके अपने बच्चों की और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के थोड़े से ज़्यादा संजीदा हो गए। और अभी कुछ सालों पहले आमिर खान ने भी कुछ ऐसी बात कही थी, तब भी काफ़ी हंगामा हुआ था। तो वहीं से एक छोटी सी कविता आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के कविता से जोड़ता हूँ आपको कि एक दिन अचानक सुबह सुबह पत्नी ने यूं कमाल किया, अपने अजीब सवालों से मुझको संशय में डाल दिया, कि एक दिन अचानक सुबह सुबह पत्नी ने यूं कमाल किया, अपने अजीब सवालों से मुझको संशय में डाल दिया, गरम चाय का प्याला मुझको जब उसने थमाया था, मुख पर चिंता के बादल थे और तब उसने फरमाया था कि अंधकार सा छाया नम में कैसी उदासी पसर रही है, सुनती हूं अब भारत में भी सहिष्णुता तो मर रही है, कि अंधकार सा छाया नब में कैसी उदासी पसर रही है, सुनती हूँ अब भारत में भी सहिष्णुता तो मर रही है, चारों ओर मचा ये कैसा विस्मित करता मुझको क्रंदन है, क्या सचमुच रहने लायक नहीं अब भारत माँ का ये उपवन है, क्या सचमुच रहने लायक नहीं अब भारत माँ का ये उपवन है। और सुनकर पत्नी के अजीब सवाल में पल भर तो चकराया था, याद कर आमिर की हालत मन में थोड़ा घबराया था, मन ही मन सोचा मैंने पगली मुझको मरवाएगी, अभी जमी नहीं अपनी दुकान पहले ही बंद करवाएगी, और मेरे चिंतित आशंकित मन में उठ रहा गैस का गोला था, और उसकी शंका निवारण को तब मैं उससे बोला था कि ये अफवाहें हैं बस केवल, ना इन पर तुम कोई ध्यान धरो, है राजनीति के सब प्रपंच तुम छोड़ो अपना काम करो,
कि ये अफवाहें हैं बस केवल, ना इन पर तुम कोई ध्यान धरो, है राजनीति के सब प्रपंच तुम छोड़ो, अपना काम करो, कहीं मरी नहीं है सहिष्णुता, ये सब कोरी बकवास है, बस झूठी शोहरत पाने का उनका कुत्सित प्रयास है। कि कहीं मरी नहीं है सहिष्णुता, ये सब कोरी बकवास है, बस झूठी शोहरत पाने का उनका कुत्सित प्रयास है। सुन मेरी बातों को समझी गोली, सुनकर के पत्नी ये बोली कि अपनी गोल गोल बातों में मुझको ना तुम बहलाओ, क्यों मर रही है सहिष्णुता बस मुझको ये बतलाओ, और गर ना समझूं फिर भी तो उदाहरण देकर के समझाओ। तब मैं बोला सुनो प्रिय, कहता नहीं कुछ गोल मोल, मैं बात खरी सब कहता हूँ, कहीं मरी नहीं है सहिष्णुता अभी सिद्ध कर देता हूँ। और फिर भाई गुरमीत मैंने क्या उदाहरण दिए उसको, मैं वो बताता हूँ आप लोगों के बीच में, कि तुम्हारी जली भुनी खारी सब्जी भी चटकारे ले ले खाता हूँ, कि तुम्हारी जली भुनी खारी सब्जी भी चटकारे ले ले खाता हूँ, बेशक स्वाद ना लगे मुझे पर वाहवा करता जाता हूँ, और कैटरीना कैफ का जीरो फिगर है नहीं तुम्हारे आगे कुछ भी, कि कैटरीना कैफ का जीरो फिगर है नहीं तुम्हारे आगे कुछ भी, ये कहता हूँ पर सच क्या है, ये मैं जानूँ और जानो तुम भी, और तुम्हारी नाराजगी के डर से दोस्तों का साथ भी छूट गया, क्रिकेट मैच और थिएटर से कब का नाता टूट गया। कि तुम्हारी नाराजगी के डर से दोस्तों का साथ भी छूट गया, क्रिकेट मैच और थिएटर से कब का नाता टूट गया, अब सास बहू के घिसे पिटे सीरियल हंसकर सह जाता हूँ, अपने मन का ना मन रख पाता तुम्हारे मन की ही गाता हूँ, और दिखलाता नहीं घाव हृदय के मन ही मन रहता हूँ कुड़ता, क्या अब भी लगता तुम्हें प्रिय कि मर चुकी है सहिष्णुता। कि दिखलाता नहीं घाव हृदय के मन ही मन रहता हूँ कुड़ता, क्या अब भी लगता तुम्हें प्रिय कि मर चुकी है सहिष्णुता। सुनकर मेरी कड़वी वाणी थी श्रीमती तब मुस्कुराई, बोली ये सब घर घर की बातें इनमें ज्ञान नहीं कुछ साई, बोली ये सब घर घर की बातें इनमें ज्ञान नहीं कुछ साई, मेरे गंभीर सवालों को यूं हंसी हंसी में मतना उड़ाओ, हुई सहिष्णुता की हत्या कैसे बस मुझको ये बतलाओ। अगली मानने को तैयार नहीं। तब मैंने फिर क्या कहा कि मैं बोला सुनो प्रिय, यहाँ भोली भाली जनता को सपने दिखाए जाते हैं और चुनाव जीतते ही सारे वादे जुमले बन जाते हैं, कि यहाँ भोली भाली जनता को सपने दिखाए जाते हैं और चुनाव जीतते ही सारे वादे जुमले बन जाते हैं, पड़ोसी हमारा है घसियारा हर दिन करता उत्पात है, पर सबक सिखाने के बदले हमको भाती बस बात है, और जब जंगल राज और सुशासन कर लेते यारी आपस में, बिहार की घटना पे ध्यान दीजिएगा, कि जब जंगल राज और सुशासन कर लेते यारी आपस में, जनता बेचारी क्या करे और है भी क्या उसके बस में, और शहीदों की शहादत का अब रहा नहीं सम्मान है, 2-4 लाख दे कर देते जैसे कोई एहसान है, और नारी की असमत का भी अब रहा नहीं कोई मोल है, वही ढोल पुराने पुनः पीटते हो जाते फिर सब गोल हैं, और अन्नदाता किसान तरसते मिलते नहीं उन्हें निवाले हैं, तेरी मेरी तो हस्ती क्या आप सब कुछ राम हवाले है। कि अन्नदाता किसान तरसते मिलते नहीं उन्हें निवाले हैं, तेरी मेरी तो हस्ती क्या अब सब कुछ राम हवाले है, और संसद को तो बना दिया मलयुद्ध का अखाड़ा है, दागी बागी और भ्रष्ट हो चुके नेताओं का जमवाड़ा है, कि भ्रष्ट हो चुका तंत्र ये सारा अब किसका किस पर जोर है, किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं, दिखते यहां सब चोर हैं, और इतना सब कुछ सह करके भी फिर उन्हीं को चुनती है जनता, क्या अब भी लगता तुम्हें प्रिय कि मर चुकी है सहिष्णुता। कि इतना सब कुछ सह करके भी फिर उन्हीं को चुनती है जनता, क्या अब भी लगता तुम्हें प्रिय कि मर चुकी है सहिष्णुता। और तब आखिर में मैंने उसको कहा कि नकारात्मक सोच को छोड़ो, ये भारत देश विशाल है, कि फूलों के संग कांटों का भी चलता अपना जहान है, नकारात्मक सोच को छोड़ो ये भारत देश विशाल है, कुछ लोग बुरे हुए तो क्या अच्छी भी बहुत मिसाल है, कि कुछ लोग बुरे हुए तो क्या अच्छी भी बहुत मिसाल हैं, लाल बहादुर अटल बिहारी जाने दिन को दुनिया सारी, अब्दुल कलाम और प्रणब दादा जीवन कितना सीधा साधा,
कि लाल बहादुर अटल बिहारी जाने जिनको दुनिया सारी, अब्दुल कलाम और प्रणब दादा, जीवन कितना सीधा सादा और रहे तन पे लिपटे भुजंग विषैले, होता चंदन से ही वंदन है। कि रहे तन पे लिपटे भुजंग विषैले, होता चंदन से ही वंदन है। इस धरा पे नहीं कहीं नहीं भारत जैसा सुंदर उपवन है, भारत जैसा सुंदर उपवन है, भारत जैसा सुंदर उपवन है। बहुत बहुत शुक्रिया।